नमस्कार, मैं हूं अदिति सिंह। इस वक्त आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे मैच का आयोजन किया गया है। इस क्रिकेट को नाम दिया गया है आमदार चषक 2023 और ये बहुजन विकास अघाड़ी द्वारा आयोजित किया गया है। यहाँ पर उन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा जो जिला स्तरीय लेवल पर खेलना चाहते हैं, उन्हें एक ये अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया गया है बहुजन विकास अघाड़ी द्वारा। कहीं ना कहीं प्रतिभा को निखारने की कोशिश ये की जा रही है और ऐसे खिलाड़ी जो बड़े लेवल पर खेलना चाहते हैं लेकिन उन्हें मैदान नहीं मिल पाता, तो इस तरीके की पिच को यहाँ पर बहुजन विकास अखाड़ी द्वारा तैयार किया गया है ताकि अगर वो आगे बढ़कर खेलना चाहे तो उन्हें इससे किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर स्टेज बनाया गया है और लगातार कमेंट्री भी की जा रही है। पिच भी बहुत उच्च स्तरीय बनाया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि 34 वार्ड से नगर सेवक जो हैं वो वार्ड स्तरीय खिलाड़ियों को यहाँ पर लेकर आए हुए हैं ताकि उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके, एक अच्छा मंच मिल सके, एक अच्छी मैदान मिल सके। यहाँ पर खिलाड़ी लगातार डटे हुए हैं, जमे हुए हैं और खेल रहे हैं। अब ये लगातार इसी तरीके से ये कार्यक्रम चलने वाला है। खैर, आइए सुनते हैं इस पूरे विषय पर, इस कार्यक्रम में जो नगर सेवक आयोजन में सहभागी हुए हैं उनका इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहना है। यहाँ पे अपन आज जो कल से यहाँ पे टूर्नामेंट शुरू है अपने यहाँ पे आमदार चषक, ये हमारे युवा आमदार क्षितिज ठाकुर साहब की एक संकल्पना थी कि अपने तालुका लेवल में और जिला लेवल के जो अपने लोकल लेवल के जो टैलेंट है उनको सामने आना चाहिए, उनका टैलेंट लोगों तक पहुँचना चाहिए। तो इस हिसाब से यहाँ पे अपने 34 वार्ड्स जो है ईस्ट और वेस्ट के नालासोपारा ईस्ट वेस्ट के 34 वार्ड्स के सब नगर सेवक हम सब सारे एक साथ आके इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल करने का प्रयास किया हुआ है पूरा। इसमें हमारा सबसे ज़्यादा सहयोग हमारे ज्येष्ठ नेते उमेश जी नायक साहब और बाकी पूरा सहयोग अपने उमेश नीलेश देशमुख साहब जो सभापति है, माजी सभापति, उनके पूरे दोनों के कंधों पे है। उनके ही मेल से ये आज ये पूरा टूर्नामेंट सक्सेसफुल हो रहा है। अब तक यहाँ पे अपने यहाँ पे पूरे 34 टीम्स हैं, 34 वार्ड के 34 टीम्स हैं और अब तक कल वेस्ट के और मोरेगांव विभाग हुआ है, आज दूसरा जोन है आसोला और तुलिन। तो ऐसे चारों अपने जोन के सब लेवल के खिलाड़ी यहाँ पे आए हुए और लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। बाहर जो आयोजन हुआ है उस आयोजन से भी खिलाड़ी भी खुश हुए। आकर्षण में अच्छा ये रहा कि जो 34 वार्ड है तो 34 वार्ड में से 10-10 फील्डर 34 वार्ड के और 2 फील्डर हम लोग आइकॉन लिए, मतलब जो अपना संकल्पना आमदार साहब का जो संकल्पना है वो सब अपना महाराष्ट्र में भी पूछना मिलता है कि लोकल के साथ में आइकॉन खेलेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। अच्छा, जे कार्यक्रम इथे चालू आहे त्याच्यामध्ये खूप मोठे मोठे चांगले टीम चालू आहे आणि सुंदरसे प्रोग्राम चालले आहे। आता पुढच्या टायमाला आम्ही प्रवीणताईचा हाताखाली घेऊन जे महिला असतील महिला टीम तयार करू आणि त्यांना इथे सादर करायची खेळायची संधी देऊ आणि आम्ही सुद्धा पाठिंबा देऊ सर्व लेडीज नगरसेविकांनी, ते आमचा प्रयत्न राहील।